आपको फैशन में इंटरेस्ट है? क्या आपने कभी फैशन में खुद का काम करने का सोचा है? फैशन बिजनेस के बारे में और जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। वेलकम टू अलोहो मोरास करियर शाला इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ एंड प्रोजेक्ट युवा। करियर शाला में आप मिलते हैं एक्सपर्ट को और जानते हैं अलग अलग करियर और स्किल्स के बारे में। आज हमारे साथ है रीटा और अनिशा दीदी, जो अपना फैशन बुटीक का बिजनेस चलाती है। आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। बुटीक पे काम करते हुए हमें टोटल 1 से 2 साल हो गया है। इसमें हमने सिलाई सीखा भी है। बेसिकली एक एनजीओ टाइप का है, उन्होंने सिलाई का प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो हमें पता चला कि वहाँ पे सिलाइयाँ भी सिखाई जाती हैं, तो हमने 3 महीने की ट्रेनिंग यहाँ से ली थी टॉप से। उसके बाद हम इन्हीं के थ्रू बुटीक चले गए थे, तो बुटीक पे हमने 1 साल की ट्रेनिंग ली। सिलाई बस ये था कि थोड़ा बहुत आता था, सीखा तो हमने अभी है, बच्चों को मतलब होने के बाद ही सीखा है। मेरी बेटी ने फोर्स करके भेजा था मुझे ख्वाब, मैं तभी सिलाई भी नहीं सीखना चाहती थी, तो मेरी बेटी ने फोर्स किया, मम्मा सबकी मम्मा कुछ ना कुछ करती है तो आपको भी करना चाहिए, तो मैं उसकी वजह से आई थी। जब मैं सीख रही थी, जो मुझे सिखा रही थी, जो मेरी ट्रेनर थी, वो ना मेरी तारीफ भरी करती थी, कहती थी तुम बहुत अच्छा करती हो, तुम्हारी सिलाई बहुत अच्छी है, तुम्हारी सफाई बहुत अच्छी है। तो उनकी बातों से सुन के ना मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं आगे चल के अगर थोड़ा सा और करूँ तो मतलब मैं कर सकती हूँ। सिलाई सीख रही थी ना, बिजनेस स्टार्ट करते हुए अच्छा भी बहुत लग रहा था, खुशी भी बहुत हो रही थी, मगर ना अंदर डर भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि कस्टमरों से करना था, नए नए लोगों से मिलना था, तो ये था कि पता नहीं कैसे होगा आगे। मतलब अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन कहीं ना अंदर डर भी बहुत ज्यादा था। अपना बुटीक खोलने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहती हूँ उसको एजुकेशन होना चाहिए, उसके पास एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी कोई भी काम करेंगे तो हर चीज हम प्लान करेंगे अपनी ना, और जो भी हम करेंगे हर चीज की हमें ट्रेनिंग होनी चाहिए और पूरी लगन के साथ हमें उस काम को करना चाहिए। कोई भी चीज हो, जब तक हमारे पास ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते, तो ट्रेनिंग होना भी बहुत जरूरी है हर चीज की। और ये है कि बेसिक एजुकेशन तो जरूरी है ही है, अगर हम फैशन के फील्ड में ही जाना चाहते हैं तो मतलब उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी चाहिए, कुछ भी है, मतलब एक इंटरेस्ट अगर हमें किसी में है तो उसमें ही हमें आगे जाना चाहिए। दूसरों के लिए नौकरी करना और खुद का बुटीक खोलने में क्या अंतर है? क्या होता है, हम अगर किसी बुटीक पे काम करते हैं ना तो थोड़ी सी हमारे अंदर बेफिक्री होती है, बाकी ये होता है कि हमारे अंदर लगन कितनी है, हम वहाँ पे कितना सीखना चाहते हैं, वो तो हमारे अंदर की बातें हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं तो हमें पूरा लगन और जितना हम वहाँ सीख सकते हैं वहाँ से हम ले, लेकिन उसके अलावा ना हमारे अंदर थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी भी रहती है, क्योंकि ये होता है कि जो वहाँ का ऑर्डर है वो करेगा सब कुछ, वो देखेगा हम अपना काम करें और चले गए, लेकिन अपनी बुटीक होती है तो उसमें हमें पूरा ध्यान देना पड़ता है, काम पे भी ध्यान देना पड़ता है, जो कस्टमर आते हैं उन पर भी देना पड़ता है, उनकी कई बातों को हमें नजरअंदाज भी करना पड़ता है, और हमें हमेशा अपना मतलब बहुत अंदर से सॉफ्ट रहकर बात करनी पड़ती है उनसे, कई बातें हमें अच्छी भी नहीं लगती लेकिन हमें उन्हें नजरअंदाज करना होता है। तो यह है कि अपने में हमें बहुत सारी चीजें ना नजरअंदाज करनी पड़ती है, लेकिन यह है कि हर चीज प्लान करके करना पड़ता है, अपने में जिम्मेदार रहना पड़ता है, जो हम बुटीक पे नहीं करते। और एक चीज और है दीदी, जैसे कि हम वहाँ पे सीखते थे, जो बताती थी हम उनके अकॉर्डिंग काम करते थे, जैसे कोई भी डिजाइन हो गया या कुछ भी है हम उनके अकॉर्डिंग करते थे, लेकिन जब से हम अपने में करने लगे हैं तो हमने बहुत सारा मतलब अपने आप से क्रिएशन किया है, कि गलत होगा तो वो हमारे लिए है, वो हम देखेंगे, लेकिन उनके कस्टमर के कपड़े होते थे तो हम उनपे अपना नहीं चला सकते थे कि अपने तरह से डिजाइन कर दे या उसे कुछ भी है, जैसे पैंट वो सिलवाती थी तो वो अपने तरीके से सिलवाती थी, लेकिन हमने उसको डिफरेंट बनाने की कोशिश की, जेब का स्टाइल हो गया या पैंट का स्टाइल हो गया, हमने चेंज किया उसे पूरा, और हमें खुशी भी हुई क्योंकि कस्टमरों का फीडबैक जो था वो बहुत अच्छा है, तो हमें इस चीज से खुशी भी बहुत मिली। तो ये है, किसी के दबाव में काम करना और अपना करना दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है, कि फ्री माइंड काम करना या किसी के अंडर काम करना, उसमें तो बेसिकली बहुत ज्यादा डिफरेंस होता ही है। इसके लिए हम किस तरह के एजुकेशन या कोर्सेज कर सकते हैं? बेसिकली तो आज के डेट में मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन है, तो वो तो मस्ट है ही है, लेकिन 12th के बाद भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग है, बहुत सारे होते हैं जो ग्रेजुएशन का ही काम करते हैं, 3 इयर्स के, 4 इयर्स के, ऐसे होते हैं। लक्ष्मीनगर में है, आसपास में तो बहुत जगहों पे खोल रखा है, कुछ लोगों ने 6 महीने का खोल रखा है, मतलब हर जगह प्राइवेट में भी खुला हुआ है और गवर्नमेंट में भी खोल रखा है, 6 महीने के भी खुले हुए हैं, साल के भी खुले हुए हैं। फैशन डिजाइनिंग का ज्यादातर साल और 2 साल के अंदर का होता है, तो ये है कि अगर हम 12th कर ले और इसके बाद अगर हम कोर्स कर ले कोई ढक्का, मतलब फैशन डिजाइनिंग का ही अगर हम कर रहे हैं, तो 6 मंथ या 1 ईयर का अगर हम कर ले तो हमें सारी चीजों की नॉलेज हो जाती है, उसमें हमें किसी से मतलब मालूम करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम वहाँ जाते हैं हमें खुद वो बताते हैं, तो हमें खुद पता चल जाता है कि इसमें है क्या, फैशन है क्या, कपड़े डिजाइन कैसे करने होते हैं, हर चीज के बारे में पता चल जाता है, तो जब हम अपना काम करते हैं तो हमें सब ये सब इजी होता है हमारे लिए। आइए देखते हैं रीटा और अनिशा दीदी ने क्या क्या चैलेंजेस फेस।
सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि हम घर पे रहते थे, बाहर निकलना ही बड़ी बात थी हमारे लिए। बाहर निकलना और घर को सेट करके निकलना ही सबसे बड़ी बात थी। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा होता चैलेंज कि घर को और बाहर दोनों सेट करना ही बड़ी बात थी हमारे लिए। हम जिस बुटीक पे काम करते थे वहाँ पे क्या था ना, वो इस तरीके से उन्होंने कुछ नहीं कर रखा था, तो वहाँ प्रॉब्लम होती थी, देखते रहते थे हम लोग। उन्होंने जैसे कि अब वो कपड़े लेती हैं तो कपड़े की सिर्फ नहीं देती थी वो, तो वहाँ पे कस्टमर आते थे ना तो चेंज हो जाता था, कभी किसी की कमीज, कभी किसी की कुछ, मतलब हो जाता था। अक्सर होती थी शलवार हमेशा, और वो हर चीज ना, मतलब कोई चीज उनके मुझे लगता था प्लान नहीं कर रखा था। ज्यादातर हमने वहीं से सीखा कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे पहले किसी के अंडर काम करना चाहिए, मतलब थोड़े दिन करना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे, मतलब क्या कर रहे हैं वो और कैसे काम होता है। कभी कभी होता है किसी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, जैसे हम गए तो हमें उनकी गलतियों से सीखने को मिला या अच्छाई से, जो भी है मतलब हमें सीखने को मिला। कभी भी कुछ स्टार्ट करने से पहले 5-6 महीने हमें किसी के अंडर काम करना चाहिए, हमें समझ में आता है कि वो कैसे कर रहा है और कैसे हमें सब चीज़ों को रखना है, कैसे सेट करना है और कैसे अपने माइंड सेट को सेट करना है, कस्टमर से कैसे डीलिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें समझनी चाहिए पहले उसे। ये सब जानने के बाद आइए देखते हैं घर का चैलेंज। सोचिए आप भी अपना एक बिजनेस चला रहे हैं, आपके ब्रांड का नाम क्या होगा, आपके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, आपके कस्टमर्स कौन होंगे जिनको आप अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे, आपके रॉ मटेरियल्स क्या होंगे, कितना पैसा लगेगा आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने में। ये सारी चीजें एक पेपर में सजा कर लिखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनका फीडबैक भी लें। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना, अपना फैशन बुटीक खोलने के लिए इस फील्ड में इंटरेस्ट, ट्रेनिंग और प्लानिंग की स्किल जरूरी है। ट्रेनिंग के लिए आप फैशन डिजाइन के कई अलग अलग कोर्सेज कर सकते हैं जिनको आप 12th के बाद भी शुरू कर सकते हैं। रीटा और अनिशा दीदी ने एक एनजीओ से सिलाई सीखने के बाद कुछ साल किसी और में काम करके फिर अपना काम शुरू किया। दोनों में अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। किसी और के काम से सीखने के बाद अपना काम शुरू कर सकते हैं। अपना बिजनेस प्लान बनाने का घर का चैलेंज जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।